गाइस हम आ गए मथुरा। परिक्रमा मार्ग में चलते हुए और हम तीनों जो है परिक्रमा लगा रहे हैं अभी। ये व्लॉग बनाने के लिए हमें वृंदावन घुमाने लाया। हेलो गाइस, तो मैं हूं नरेश ओझा और आप देख रहे हैं राजस्थानी ब्लॉगर चैनल। तो आज इस ब्लॉग में मैं दिखाने वाला हूं आपको गिरिराज जी महाराज की पूरी परिक्रमा। और मेरे साथ है दीपक भैया और हिम्मत भैया और हम तीनों जो है अभी परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं। और जो नज़ारा है ना गाइस, काफ़ी शानदार हो रहा है और मौसम भी काफ़ी शानदार है। और अभी तक जो है हमने पहला पड़ाव तक पार नहीं किया क्योंकि अभी परिक्रमा स्टार्ट करी थी। स्टार्ट करते ही हमें शानदार बारिश देखने को मिली और फिलहाल हमें जो है आधे परिक्रमा तक पहुंच गए। जो पहला पड़ाव है वो आधा आ चुके हैं और काफ़ी बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा। और मैं आपको मंदिरों के दर्शन भी कराने वाला हूँ। जो जो मंदिर हम जाएंगे वो आपको दिखाएंगे। राधे राधे मित्रों, राधे राधे। आज हम परिक्रमा मार्ग पे चल रहे हैं। ये देखिए नज़ारा किधर का, बहुत अच्छी बारिश हुई। हमारे साथ नरेश ब्लॉगर है, फेमस ब्लॉगर जो कि बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हैं यूट्यूब पे। और इनका चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और ये भी कमेंट करिए कि आप वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम आपके जो कमेंट पढ़ेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो सपोर्ट बनाए रखिए आपका। अच्छा, गिरिराज जी का हमारा कोई प्लान नहीं था, अचानक से प्लान मेरा प्रभु की कृपा से। और आज बारिश का मौसम, वही आनंदित मौसम हुआ जैसे हमने परिक्रमा स्टार्ट करा और पानी की बौछार चालू हो गई। हम कहीं ना कहीं गीले भी हो चुके हैं, ये हमारे साथ सूख भी चुके हैं और बारिश भी आई, अच्छे बदल भी छाए। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं प्राचीन मंदिर पूंचरी का लोटा। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये मंदिर, ये है पूंचरी का लोटा। और यहाँ पर जो है विश्राम भी करते हैं, पहला विश्राम यहीं पर ही लिया जाता है और हमने विश्राम कर लिया है। और ये देख सकते हो काफ़ी सारी जनता यहाँ पर पूंचरी के लोटा पर गाइस पहला विश्राम लिया जाता है। और यहाँ पर के डॉग दी जाती है और इनसे विनती करते हैं कि हमारी यात्रा और बढ़िया हो, किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। पूंचरी के लोटा से विश्राम फर्स्ट कर लिया हमने, अब निकल रहे हैं। यहाँ पर पियेंगे चाय पानी करने के बाद हम पहुँच चुके हैं छोटी परिक्रमा में। और ये मार्केट है इधर का, छोटी परिक्रमा का मार्केट। काफ़ी आनंद आ रहा है। और भाई परिक्रमा करते करते हमारे पाँव की हालत हो चुकी है बिल्कुल ख़राब, बहुत तेज दर्द कर रहे हैं भाई। और गाइस मथुरा में कई मंदिर ऐसे हैं जिन पर जो है फोटोग्राफी वीडियो नहीं बनाने दिया जाता है।
परिक्रमा लगाते लगाते रात की पौने 12 बज चुकी है और अभी भी 1 घंटे का वक्त जो है हमें लगने वाला है, तो थक गए जो बैठे अभी हम और परिक्रमा में काफ़ी थक चुके हैं। तो भाई हालत खराब हो चुकी बहुत भयंकर खराब हो गया ना। इतनी भयंकर पांव दर्द कर रहे हैं ना भाई, आंखों में नींद और पैरों से हुई हालत खराब, चला भी नहीं जा रहा भाई, इतनी भयंकर जो है पांव दर्द कर रहे हैं। देख सकते हो पीछे वालों का हाल क्या है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मानसी गंगा, हाँ करीबन 12:30 बज चुकी है पहुंचते। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हो चुका है हमें दूसरा दिन और अभी हम निकलेंगे बाग बिहारी। हम पहुंच चुके हैं बाग बिहारी जी। दोस्तों बाके बिहारी मंदिर होकर आ चुके हैं हम और अभी आ चुके हैं हम इस्कॉन मंदिर। I
दोस्तों पूरी परिक्रमा करने के बाद, बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे इस्कॉन मंदिर, वो भी हम देख कर आ चुके। और अब हम जा रहे हैं स्टेशन जो कि मथुरा स्टेशन पर, और मथुरा स्टेशन के बाद हम घर जाएंगे।